हम तो बच गए दोस्तों। मैं सोच रहा था इसे गले में लटकाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनीत। दोस्तों अभी अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है पास के गांव से कि गांव के पास में ये खेत में निकला है अजगर, तो उसे हम देखने जा रहे हैं और यदि मैं पकड़ सका उसे तो एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये है रास्ता और नदी किनारे का रास्ता है। दोस्तों आगे चल के ही बता रहे हैं लोग कि यहीं पे ही आगे कुछ लोग खड़े हुए हैं और उन्हें वो अजगर मिला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह का अजगर है। तो दोस्तों आ गए हैं हम उस लोकेशन पे जहाँ पे कि हमें पता चला है कि यहाँ पे अजगर है। दोस्तों तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह का अजगर है वो और किस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। असल में पास में ही जहाँ पे हम लोग आए हैं वहाँ पे गांव है और गांव वालों ने ही कुछ लड़के हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे अजगर मिला है, आप जल्दी आ जाइए। तो बस वही दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह से वीडियो बन पाती है। वो वहाँ पे लग रहे हैं खड़े हुए। हाँ जी हैं तो खड़े हुए। तो ये खड़े हुए हैं दोस्तों लोग जैसा कि आप देख रहे हैं और ये जा रहा है अजगर, ये जा रहा है। राजीव कैमरा पकड़ो। यार फसका। काफी बड़ा अजगर है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं और बहुत बढ़िया और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये देख रहे हैं इसकी मोटाई कितनी है, बहुत बढ़िया अजगर है। और पहली बार दोस्तों मैंने इस तरह का अजगर अपनी जिंदगी में पकड़ा है।
देखिए दोस्तों आपने इसकी फुसकार कितनी जबरदस्त है, दिल दहला देने वाली। तो ये है दोस्तों अजगर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही शानदार प्राणी है दोस्तों ये, और अभी अभी हम लोगों को मिला है। ये जितने गांव के लड़के हैं इन्हीं ने बताया था हमें कि यहाँ पे अजगर है। तो आप लोग कितनी देर से हो यहाँ पे? हम काफी देर से हैं यहाँ पर। कितनी देर पहले ही आप लोगों ने मुझे फोन किया था? तो यही सब लड़के हैं दोस्तों जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे ये अजगर था। इसकी फुसकार एक बार सुनिए। देख रहे हैं कितनी डरावनी फुसकार है दोस्तों इसकी। तो अब इसे हम छोड़ देंगे दोस्तों यहीं पे, ताकि ये अपने प्राकृतिक पर्यावरण में चला जाए। अब थोड़ी देर में यहाँ लगने वाली है दोस्तों भीड़, एक एक करके लोग आ रहे हैं। और ये है दोस्तों इस अजगर का रेस्क्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बहुत शानदार प्राणी है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मेल है या फीमेल है इसकी जानकारी अभी नहीं हो पा रही है मुझे। मेल है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि ये मेल है। तो ये है दोस्तों इसके शल्क वगैरह बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। राजीव जी से मैं एक बार निवेदन करूंगा, जरा पास से दिखा दें हमारे दर्शकों के लिए। दोस्तों असल में ये जो आप सांप देख रहे हैं ये अजगर नहीं है। असल में दोस्तों ये है रसल वाइपर, और ये सांप बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। हमारे गांव के लोग दोस्तों हर बड़े सांप को अजगर बोल देते हैं, तो इसीलिए मैंने भी इसे अजगर ही बोल दिया। असल में मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं ये बोल देता कि ये बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है, तो जो ये लोग खड़े देख रहे हैं ना, ये सब भाग खड़े होते। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे जो कैमरामैन है पाठक जी, वो भी डर के मारे निकल लेते। तो मैंने ये सोचा कि चलो अब इसे अजगर ही बोल देते हैं। और ये सांप दोस्तों 4 फीट के आसपास की लंबाई का होता है, और इसकी मोटाई होती है करीब 6 इंच की। हम तो बच गए दोस्तों, मैं सोच रहा था इसे गले में लटकाने की। तो दोस्तों अब हम इसे रहे हैं छोड़, और आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसको हम इसी जगह पे छोड़ देंगे, और यही इसका प्राकृतिक निवास है। तो यहीं पे मैं करता हूँ दोस्तों इस वीडियो का अंत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए चला गया। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इन्फॉर्म किया, और आप लोगों की वजह से ही मैं ये वीडियो बना पाया हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ब्लॉगर विनीत को धन्यवाद।